ये दानेदार चीज़ आपके नींबू के पौधे को फल फूल से भर देगी। नींबू पे पहले से ज़्यादा फूल आएगा और फूल अगर फल में नहीं बन रहा है तो फल भी बनने लगेगा। साथ ही साथ आपके पौधे की ग्रोथ पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी, पौधा घना और स्वस्थ और मजबूत हो जाएगा। तो वीडियो में जानेंगे आखिर ये चीज़ है क्या और आप इसे नींबू में कैसे और कब यूज़ कर पाएंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करके एक बार शेयर ज़रूर कीजिए। हमें इंस्टाग्राम पर होम गार्डन YT नाम से फॉलो कर लीजिए, वहाँ हम नए नए अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो में हम दो चीज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आपके नींबू पे बिल्कुल फूल नहीं आ रहा है तब आपको ये काली वाली चीज़ यूज़ करनी है। एक आध ब्रांच पे फूल आता है या फूल नहीं आता है तब इसका प्रयोग करेंगे हम। और अगर आपके नींबू पे फूल तो आ रहे हैं, अच्छे फूल आते हैं लेकिन फल नहीं बनते या फल छोटे छोटे बन के गिर जाते हैं तब आपको ये हल्की सफ़ेद कलर की जो क्रीम कलर का आपको पाउडर दिख रहा है इसे यूज़ करना है। तो जानेंगे ये दोनों चीज़ क्या है और कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक देसी किस्म का नींबू का पौधा हमारे एक गमले में लगा हुआ है, ये देखिए, और हम इसी पौधे पे ये प्रक्रिया करके आपको दिखाएंगे। आपको ये प्रक्रिया फरवरी तक कर लेनी है। अगर आपके पौधे पे फूल आने की शुरुआत हो गई है तो दूसरा पाउडर यूज कर सकते हैं और अगर नहीं हुई है तो आप काला वाला यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों करके दिखाऊँगा। सबसे पहले आपको गमले में दो एक दिन पहले पानी बंद कर देना है। ज़मीन पर अगर पौधा है तो 4-5 दिन पहले आपको पानी बंद करना है। इसके बाद सबसे पहले आपको अपना सिकेटियर लेना है और जो नींबू है इसकी जो ग्रोथ ब्रांच हैं जो कि ग्रोथ पे दिख रही है ना, इन्हें आपको हल्का सा ट्रिम करना है, ऊपर से कट करना है, बहुत छोटा छोटा। कुल मिलाकर हमारा जो मकसद है वो है पौधे की ग्रोथ को अभी रोक देना। इस तरीके से आप देखिए जितने भी ब्रांच हैं आपको थोड़ा मेहनत का काम है लेकिन आप थोड़ी देर में 10-15 मिनट में इस काम को कर देंगे। तो जितने भी ब्रांच आपको ग्रोथ पे दिख रही हैं उन्हें कट कर दीजिए, प्रून कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। इसके बाद किसी दिन मॉर्निंग में आपको अपनी खुरपी लेनी है और जहां आपका पौधा लगा है नींबू का उसकी मिट्टी की ऊपरी लेयर को बस ब्रेक करना है, हल्का हल्का खोद देना है, ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी है। ध्यान रखिए जब भी किसी पौधे पर फूल आ रहे हों तो उस समय आपको ज़्यादा गहरी गुड़ाई करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाद पहली प्रक्रिया जैसे मैंने बताई कि अगर आपके पौधे पे फूल नहीं आते हैं या फूल कम आते हैं तो आपको ये चीज़ लेनी है। ये चीज़ है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसे नीम खली बोलते हैं। नीम खली, नीम का तेल निकालने के बाद जो खल बचती है वो है और ये गर्म होती है। आपको फरवरी में यूज़ करना है, उसके बाद यूज़ नहीं करना है, फिर आप जुलाई में यूज़ करेंगे। तो 12 से 14 इंच के गमले के लिए आपको सिर्फ एक चम्मच, अगर वजन की बात की जाए तो 5 से 10 ग्राम आपको ये लेनी है और मिट्टी के ऊपर इस तरीके से छिड़क देनी है, स्प्रे कर देनी है। ये गर्म होती है, पौधे में दीमक नहीं लगने देगी, कोई भी बग नहीं आएगा, मेली बग भी कम आएगा, साथ ही साथ पौधे पे फूल जो है वो इंक्रीज होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। अब हम एक प्रक्रिया और करने वाले हैं कि फूल ज़्यादा से ज़्यादा फल में बदलें। तो इसके लिए आपको लेना है ये छाछ मट्ठा। आप इसमें थोड़ा सा जो है आंवला पाउडर मिला लें या फिर 5 ml शहद भी मिक्स कर लें, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सादा मट्ठा लीजिए, उसे अच्छे तरीके से फेंट लीजिए, पतला कर लीजिए इस तरीके से, और 1 लीटर साफ पानी में जो आपका स्प्रेयर है उसमें 1 लीटर साफ पानी भरिए और जो 50 ml मट्ठा लिया है वो उसमें मिक्स कर लीजिए। आप इसमें 5 ml शहद भी डाल सकते हैं अच्छा वाला, या फिर 5 ग्राम आपको इसमें आंवला पाउडर मिलाना है। अगर नहीं है तो कोई भी ज़रूरी नहीं है, अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद जो आपका नींबू का पौधा है जिसमें फ्लावरिंग की शुरुआत हो गई है, इस तरीके से फूल आ जाएं, तब ये छाछ का प्रयोग करना है। ये छाछ आपके जो फूलों का पॉलिनेशन है वो प्रक्रिया तेज़ कर देगी, फूल गिरेंगे नहीं, मकड़ी का प्रकोप नहीं होगा, साथ ही साथ पौधे पे जो है शाइनिंग आ जाएगी और पौधा अच्छे तरीके से भोजन बना पाएगा। अब अगर आपके पौधे पे फूल आ रहा है, फल भी बन रहा है लेकिन फल बढ़ नहीं रहा है या छोटा छोटा होकर गिर जाता है, पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तब आपको करना ये है कि आपको ये पाउडर लेना है। इसे बोला जाता है सिंगल सुपर फॉस्फेट। इसके अंदर फॉस्फोरस, पोटेशियम और सल्फ़र की मात्रा होती है। सल्फ़र हमारे पौधों से जो है फल की मात्रा बढ़ा देता है और फल ख़राब नहीं होने देता है। तो आपको बस ये 3 से 5 ग्राम लेना है। पाउडर फॉर्म में भी आप इसे यूज कर सकते हैं लेकिन हम पानी के साथ यूज करेंगे। तो लगभग 1 गिलास में 1/4 चम्मच आपको लेना है और इसे
लगभग 200 ml पानी में इस तरीके से मिक्स कर लेना है। ये नींबू पर काम करेगा, अमरूद पे काम करेगा, आपका अंगूर पे भी काम करेगा, संतरे किन्नू पे भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद किसी दूसरे दिन मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर लीजिए हल्की हल्की, और इस तरीके से आपको इसको दे देना है। तो ये उस स्थिति में देना है जब आपके फल बन रहे हैं लेकिन फल गिर रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। तो ये दोनों प्रोडक्ट आप यूज़ कीजिए, फिर देखिए कि आपके नींबू पे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए वीडियो कैसा।